भी बोल रहे हैं, डीजे वाला कोई भी डीजे वाला हो, एक कदम चले उसके साथ हम लोग सब चलने वाले हैं सब। एक बात और सपोर्ट भाई, एक चीज बताओ, एक मिनट रुके, फुल सपोर्ट रहेगा। क्यों रहेगा आपको बता दे रहे, क्योंकि एक डीजे वाले की वजह से हम लोग का भी रोजी रोटी चल रहा है। एक बात कहकर जा रहा हूँ, ये वीडियो हम एंड करने वाले हैं, और ये वीडियो इस बात पे एंड कर रहे हैं कि अगर आप इस वीडियो को, जो भी भाई देख रहा है वो इस वीडियो को प्लीज एंड तक, और पता है अगर इस रोड शो की हम अपडेट पहले से डालते, सुमित भाई और तुम्हें भी, चलो सभी को कितने टाइम से बताया हम इसी, ये उड़ीसा का जो अपडेट है ना, अगर आज से आया ना, हमारे पास थी जब विधान भी था तब से सबको पता है, लेकिन कोई अपडेट दिया था, कोई नहीं दिया था। मैं सरगम भी उतना दूर से आए, पूरा सेटअप रेडी करके, एक गाड़ी का पेपर, रोड का पेपर, यहाँ पर आने तक का पूरा सफर का खर्चा वर्चा, मान ले चले वो कमेटी वाला उसको एडवांस किए, उससे पहुँच गया, लेकिन जो भाई उतना मेहनत किया, सबसे पहला कष्ट किसका था, डीजे वाला का, और जो उनको बुक किया है वो कमेटी का, जिसको डीजे में इंटरेस्टिंग नहीं है, ठीक है, वो क्या यहाँ पर पहुँच रहा है, नहीं ना पहुँच रहा है, जिसको डीजे के साथ लगाव है वही आदमी यहाँ पर पहुँच रहा है, या लाइव दिखाते हैं या कोई भी चीज़ का लोकेशन शेयर करते हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत किसको होना चाहिए, एक डीजे वालों को। हम लोग को अभी तक कोई डीजे वाला हम लोग को मना नहीं किया, जब भी मना किया तब तक हम लोग लाइव भी नहीं आते हैं, एड्रेस भी शेयर नहीं करते हैं, कहाँ पर रोड शो होगा वो भी शेयर नहीं करते हैं। उनकी ही कृपा से एकदम मस्त जिंदगी है। श्री राम हर हर महादेव दोस्तों, तो हम सभी आप सबके बीच में, और कहीं ना कहीं हम इस चीज़ को आपके सबके बीच में इसलिए लेकर आए हैं, आज जो यहाँ पर हुआ है वो आगे कहीं ना हो, क्योंकि सारे ही यूट्यूबर यहाँ इकट्ठे, बहुत सारे लोगों के यूट्यूबर करके बहुत सारे लोगों ने ट्रोल कर रखा है कि जो मामला खराब होता है भाई केवल यूट्यूबर, तो ये सारे भाई हमारे यूट्यूबर हैं जितने भी यहाँ पे खड़े हैं, और सभी एक नेक्स्ट लेवल यूट्यूबर हैं हमारे, जैसे कि आप सुमित भाई को अच्छे तरीके से जानते होंगे, इधर हमारे उमेश भाई है, मोहित भाई है, ये सारे भाई अपने अपने नाम बता दो एक बार। रंजन ब्लॉग्स, मोहित ब्लॉग्स, आप बताओ, मेरा बताओ यार, राजेश ठीक से नाम नहीं याद, बोलने में भी शर्म आ रही है, हमारे रोहित भाई है, आरटी ब्लॉग्स, और इधर हमारा भी मातृ ब्लॉग। तो भाई सभी भाई हम यहाँ पे इसलिए खड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं सबका आ गया सबका, कोई मोबाइल पे ध्यान नहीं देंगे, कहीं ना कहीं भाई आप सबको ये बताने के लिए खड़े कि एक यूट्यूबर वो मेहनत करता है जो कि भाई डीजे वाले कभी नहीं कर पाएंगे, जो डीजे वाले हम जो आपको दिखाते हैं ना वीडियो, वो अगर डीजे वाले फुल व्लॉग भी बनाए ना जब भी नहीं दिखा पाएंगे। भाई हैं हमारे, ट्रेन में आए हम, ट्रेन से आए 28 घंटे का सफ़र करके यहाँ आकर सारी चीज़ कर रहे हैं, और भाई बैठ रहे हैं, खा रहे हैं नहीं खा रहे, हमारा कोई खाने का टाइम नहीं, पीने का टाइम नहीं, हम सारे जने मेहनत में लगे पड़े हैं, तो एक इंटरेस्ट ही तो है हमारा जिसमें हम यहाँ पे आके ये सारी चीज़ कर रहे हैं, और आप सबको दिखाना चाह रहे हैं कि भाई हम कितनी मेहनतों से ये सारी चीज़ करते हैं, उसके बाद में आप सब हमें ही ट्रोल करने लग जाते हो। भाई सभी भाई इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? अभी एक मिनट, अभी जितने भी भाई लोग आए हुए हैं, जितने भी यूट्यूबर्स हैं, हम लोग भाई यूट्यूबर्स ही हैं, और हम लोग क्या, हम लोग का काम क्या है, वीडियो आप लोग के तक पहुँचाने का। अगर हम लोग यहाँ पर आकर के अगर लाइव नहीं दिखाएंगे, वीडियो शूट करके अगर अपलोड नहीं करेंगे, तो आप लोग को ये चीज़ देखने को घर बैठे बैठे कैसे मिलेगा, यहाँ तक कि आप लोग को भी यहाँ पर आना होगा। अगर YouTube, अगर हम लोग अगर YouTube चैनल नहीं होता, तो अभी सुमित आया, सुमित का आप लोग को पता हो कि तबीयत खराब था, आया हुआ था भाई, ये किसके लिए आया, आप ही लोगों के लिए आया, आप लोग के प्यार के लिए, सपोर्ट आप लोग इतना कर रहे हैं, उस कारण से आप लोग, उमेश है या फिर यहाँ मोहित भी आ गए, मोबाइल देखिए इधर आ जाओ यार, मोबाइल छोड़ के यार, क्या मोबाइल देखिए, ये जो अपना मामला जो केड़ा करते रहते हैं, वो वहाँ से यहाँ पर मामला केड़ा करने के लिए आए, लेकिन अब क्या हो सकता है, कुछ नहीं होगा। अब 2000 किलोमीटर हम चल के आए, बताओ अब आप सब यार, ये भाई मैं तो एक बात कहना चाहूँगा, इतना गलत हुआ, दिल बहुत दुखी, मैं वहाँ पे गया भी नहीं, सारे भाई वहाँ पे गए, लेकिन जब वो माँ डीजे खुल रहे थे ना, मैं वहाँ पे गया भी नहीं, मैं यहीं रहा भाई। भाई डीजे, मैं एक बात कहूँगा, जो यूट्यूबर भाई है वो सबको दिखाते हैं घर रहते हुए, मेरा भाई रेलवे में है, जो मुझे जानकारी मिली, एक मिनट, एंटरटेनमेंट के लिए आता है, वीडियो बनाने के लिए, आपको दिखाने के लिए, ये बात यूट्यूबर लोग के लिए नहीं है, ये डीजे वाला के लिए भी है, ठीक है, ये सब के लिए, जो डीजे लाइन से जो जुड़े हैं, या तो यूट्यूबर है, बीच में देख के बोलो, कैमरे दोनों आएंगे, दो बार देख रहे, एक बार इसको, ठीक है, या तो डीजे में जो जुड़े हैं, जैसे कि यूट्यूबर हो, पब्लिक हो, एक डीजे वाला हो, सब एक साथ ही जुड़ के काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मेन मुद्दा आ जा रहा है कि इस तरह का माहौल, अभी यहाँ पर जो चीज़ हुआ, सरगम भी उतना दूर से आए, पूरा सेटअप रेडी करके, एक गाड़ी का पेपर, रोड का पेपर, यहाँ पर आने तक का पूरा सफ़र का खर्चा वर्चा, मान ले चले वो कमेटी वाला उसको एडवांस किए, उससे पहुँच गया, लेकिन जो भाई उतना मेहनत किया, पैसा ही मायने नहीं रखता कि पैसा आ गया। आप
नहीं देखे होंगे साजन भैया या बहुत सारे ऐसे डीजे वाले होंगे। पावर म्यूजिक भाई खुद ही मेहनत करके आ रहा है, वो भी पैसा चीज तो नहीं देखते हैं, वो अपना काम देखते पहले, सबसे पहले वो अपना काम देखते हैं। अगर परमिशन अगर यहाँ के पब्लिक को या परमिशन प्रशासन को नहीं देना था तो साफ साफ कोई भी कमेटी वालों को बोल देता कि डीजे नहीं बजने देंगे, सिंपल सा बात है। अभी जो यहाँ पर भाई 1000 से भी ज़्यादा भीड़ था, इतना पब्लिक जो आया, हम लोग तो मान लिए कि चले उस दिन हम लोग रात में थोड़ा बहुत टेस्टिंग सुन लिए जो भी था थोड़ा सा, लेकिन जो यहाँ पर अभी आया आज स्पेशल कॉम्पिटिशन को देखने के लिए सुनने के लिए, तो उन लोगों के साथ क्या हुआ, मैं यही चीज़ आप लोग से पूछना चाहता हूँ, उन लोगों के साथ हुआ क्या, सिर्फ पैसा खर्चा करके आया, रात जग के आया, खाना वाना टाइम से खाया तो होगा नहीं, कोई कोई भी जमीन में सो रहा है, सुबह को सोच रहा बेटा सुबह से टेस्टिंग स्टार्ट हो जाएगा, कुछ नहीं, क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ, सब मतलब माहौल जो है पूरा खत्म। ये हम सबको पता है, उड़ीसा बैन है, छत्तीसगढ़ बैन है, झारखंड बैन है, सब जगह बैन है डीजे, ये हम भी मान रहे हैं भैया। जब बैन था तो डीजे को आप आने की परमिशन क्यों दिए क्या भैया? भाई देखो सबसे बड़ी बात, बहुत सारे भाई हमारे बीच में ऐसे भी हैं जिनके टिकट तक कंफर्म नहीं थे ट्रेन में, और उसके बाद भी हम सब यहाँ तक पहुँचे। एक तो आप ही नहीं ले लो, 2000 किलोमीटर चल गए एक जर्नल के टिकट पे भाई, और उसमें भाई कैसे सफ़र करके 2000 किलोमीटर का सफ़र तय किया गया, क्यों कहीं ना कहीं उस भीड़ में, मैंने आपको एक वीडियो डाली हुई है कि जिस ट्रेन से हम आए थे पुरुषोत्तम में भाई, जो रिजर्वेशन वाला डब्बा था ना स्लीपर वाला, वो भी भाई जर्नल बन चुका था, तो इतनी भीड़ में जर्नल में सफ़र करके या कैसे भी सफ़र करके हम यहाँ तक पहुँच रहे हैं। ये सारे भाई है, अब हमारे भाई है, एक बार आप इनसे मिलो भाई, सभी भाई देखो कहीं ना कितने महीने कितने दिन पहले टिकट करवाया हमने, तो भाई सच बोल रहे हैं आपको, एक महीना पहले हम लोग टिकट किए थे, एक महीने पहले टिकट किया, और उसमें भी ये रहा कि भाई टिकट कन्फर्म होगा नहीं होगा, तो बहुत सारी चीज़ें कन्फर्म था, फिर भी जो बोगी में आए थे बहुत खतरनाक बड़ा भीड़ था। मान लिया कि दोस्तों हम लोग मेहनत कर रहे हैं, हम लोग बेवकूफ़ नहीं है जो मेहनत कर रहे हैं, इतना सारा भैया लोग देखने के लिए आए, वो लोग भी बेवकूफ़ नहीं है जो इतना दूर से आ गए, सबका कष्ट है, ये लाइन में सबका कष्ट है, सबसे ज़्यादा कष्ट किसका है, डीजे वाला का, और एक अरे रुको भाई क्या कौन दुनिया में चल रहा है, सबसे पहला कष्ट किसका था, डीजे वाला का, और जो उनको बुक किया है वो कमेटी का। अगर डीजे बैन था भी हम बार बार यही चीज़ बोलना चाहते हैं, तो परमिशन क्यों दिए यहाँ के एसोसिएशन वाले, यहाँ का जो एसोसिएशन है हर एक क्षेत्र में एक एसोसिएशन वाले होते हैं, तो एसोसिएशन का क्या काम है, डीजे वाला का सपोर्ट करना, नियम कानून से चलाना, तो अगर एसोसिएशन वाला आके बोलता है बाबू तुम इतना सेटअप मत लगाओ, तुम मत आओ, तुम आएगा तो माहौल गर्म हो जाएगा, तो वो नहीं लेके आता, कमेटी वाला से बात करने से पहले तो उन्होंने अपना पूरा परमिशन लेके आएगा ना यहाँ पर ही, यहाँ का प्रशासन जो कागज वागज होता है सब चीज़ एसोसिएशन वाले सब तो परमिशन लेके यहाँ पर आए। अब भैया जब आने के बाद आपको एक सिंपल बात बता दें, आप हमको बुला के आइएगा घर कि चलो मेरा घर खाना खाने, आप बैठा दीजिएगा खाना वाना दे दीजिएगा, और अचानक से बोलिएगा उठो जा तुम अपना घर नहीं देंगे खाना, तो कैसा लगेगा, उसी तरह का बात है और कुछ नहीं। और इस सब जितना भी हुआ सिर्फ सब राजनीति हुआ है, मैं खुल के बता रहा हूँ वीडियो में। सुमित भाई एक बात और, एक बात और सब भाइयों से मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, अगर मानो जैसे हम आके अपडेट देते हैं भाई कि आप इस रास्ते से यहाँ आ सकते हो, इस रास्ते से यहाँ आ सकते हो, अगर हम अपडेट ना दे तो जो बाहर से बंदे आ रहे हैं या कोई भी आ रहा है वो कैसे आएगा, ये बहुत कैसे आएगा, नहीं रुक रुक मैं खुद आया हूं। बिल्कुल बिल्कुल इनके एक मिनट, ज़्यादातर भैया लोग क्या क्वेश्चन है कि हम लोग लाइव करके ही सब माहौल खराब कर दे, बोका चौदह लिखे है क्या हम लोग के किस्मत में, हाँ जो हम लोग ट्रेन का गाड़ी दिखा रहे हैं यहाँ से चढ़ना है इस स्टेशन से हम लोग टिकट कर रहे हैं, काहे दिखाते हैं, क्यों दिखाते हैं, ताकि जिसको नहीं पता है वो लोग भी पहुँचे। अच्छा एक चीज़ बता रहे हैं, जिसको डीजे में इंटरेस्टिंग नहीं है ठीक है, वो क्या यहाँ पर पहुँच रहा है, नहीं ना पहुँच रहा है, जिसको डीजे के साथ लगाव है वही आदमी यहाँ पर पहुँच रहा है, अब हम सबको धक्कल के थोड़े ला रहे क्या भाई, अभी हम बोलेंगे भाई हमको कोई 5000 रुपये मदद कर दो इस वीडियो में, कोई करेगा नहीं करेगा, देखने वाला देखते हैं लेकिन बोलने वाला जो मन सो बोल के चल जाते हैं, लेकिन वो लोग नहीं समझते कि एक यूट्यूबर के अंदर में क्या फील होगा। सुमित भाई और उमेश भाई एक चीज़ सभी बताओ यार, देखो हम सभी खड़े, देखो कहीं ना कहीं हम सबको इंस्टा पे भी बहुत सारी कॉल्स आती हैं कि भाई क्या भाई, इसीलिए रुक करके इसीलिए नहीं किसी को नंबर देते जल्दी, नहीं इंस्टा पे रिप्लाई देते हैं, नहीं कॉमेंट सेक्शन में रिप्लाई देते हैं, अगर हम लोग इसको रिप्लाई देंगे तब पर भी हम लोग गलत, अगर नहीं देंगे तब पर भी हम लोग गलत,
लेकिन आप लोग का कमेंट हम लोग ऐसा बात नहीं कि नहीं पढ़ते हैं, आप लोग का कमेंट के अनुसार हम लोग वीडियो बनाते हैं, क्या समझे? वीडियो बनाते हैं और सबको भाई छोटी छोटी जानकारी हम सभी देने पे, देखो हमारे भाई है भाई, जब आप आ रहे थे तो आपकी मेरी ऐसे बात भी हुई है, और कैसे कैसे आप आए हो, सारी चीज़ के बारे में क्या जानकारी मिलती रही आपको? देखो सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले हमारा जो प्लान था सुल्तानपुर, ठीक है, सुल्तानपुर में हमारे के जो अभी सुल्तानपुर की छोड़ो, आप सिर्फ इतना बताओ कि अगर जैसे आप आ रहे थे सफ़र में, अब यूट्यूब पे हम सब जो वीडियो डाल लेते उसमें कितना सपोर्ट था? चलो ठीक है, तो हुआ क्या कि भैया विधान भैया की मैंने वीडियो देखी, भैया बोल रहे थे कि मैं ऐसे जाऊंगा, और लास्ट में उन्होंने एक मेंशन भी किया हुआ था एड्रेस पूरा कंप्लीट कि आप अगर आ सकते हो तो पहले ऐसे यहां से यहां तक आ सकते हो, यहां से आ सकते हो। इसी वजह से मैं कंफ्यूजन था, तो मैंने डायरेक्टली भैया को कॉल की, मैंने कहा कि भैया मेरे को चलना है या जाना है तो आप मुझे सही तरह से बताइए। इन्होंने कहा कि मैंने डाल तो रखा है, लेकिन फिर भी इन्होंने मुझे गाइड किया कि आप ऐसे आइए, ऐसे आइए, वहाँ तक आइए और वहाँ से आपको ये चीज़ें मिल जाएगी। पर होता क्या है हमारे साथ, अब देखो हम यहाँ पे आ गए, आने के बाद आज पूरे दिन में हम पूरे दिन कुछ खाया भी नहीं, मतलब खाने का मतलब ये नहीं कि हमें कुछ खाना खा रहे, लेकिन खाना का कोई काम दिक्कत ये थी कि हम अगर वहाँ खाने चले जाते थोड़ा दूर खाना पीना के लिए तो वहाँ पे टेस्टिंग वगैरह होती है, वो रुक जाती, लेकिन हुआ ही कुछ नहीं, उनके चक्कर में मैं ऐसे ही रहे। क्या आपका टिकट कंफर्म था जिस ट्रेन में आप आए? नहीं बिल्कुल नहीं था, मैं पता नहीं कैसे कैसे होकर आया हूँ। एक चीज दिक्कत सर में भी, अगर हम लोग वीडियो बनाते हैं बॉडी पेन या लाइव दिखाते हैं या कोई भी चीज़ का लोकेशन शेयर करते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत किसको होना चाहिए? एक डीजे वाले को। हम लोग को अभी तक कोई डीजे वाला हम लोग को मना नहीं किया, जब भी मना किया तब तक हम लोग लाइव भी नहीं आते हैं, एड्रेस भी शेयर नहीं करते हैं, कहाँ पर रोड शो होगा वो भी शेयर नहीं करते हैं, है कि नहीं? बिल्कुल भाई, तो हम लोग भी रूल में ही चलते हैं, हम लोग भी रूल में ही चलते हैं। और बात इस जगह पर रहा कि इस तरह का माहौल, ये आपको हम 100% बता दे रहे हैं, आज उड़ीसा में होगा, झारखंड में होगा, छत्तीसगढ़ हो या यूपी हो, कहीं भी हो, हर एक जगह पे ऐसा ही होने वाला है। अगर आप लोग का साथ नहीं रहेगा तो हम तो अभी भी बोल रहे हैं, डीजे वाला कोई भी डीजे वाला हो, एक कदम चले उसके साथ हम लोग सब चलने वाले हैं, सब एक बात और सपोर्ट भाई, एक मिनट रुके, फुल सपोर्ट रहेगा। क्यों रहेगा आपको बता दे रहे हैं, क्योंकि एक डीजे वाले की वजह से हम लोग का भी रोजी रोटी चल रहा है, ठीक है, तो उनके लिए हम लोग के लिए फुल सपोर्ट है। सिर्फ आवाज़ उठाइए, हम लोग अगर पीछे हट जाएंगे तो आपको जो बोलना है नहीं बोलना है आप लोग अपना राय दीजिए। नहीं भाई, अगर आप सब डीजे वाले हमें भी सपोर्ट कर रहे हो, हम बिल्कुल सपोर्ट करेंगे, और जहाँ भी हमारी सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी हम वहीं पहुँचेंगे, और सारे ही यूट्यूबर्स भी आपका बिल्कुल सपोर्ट करेंगे। अभी भैया ने बोला कि 2000 किलोमीटर दूर या 3000 किलोमीटर दूर, हम लोग जैसे यूट्यूबर के लिए ये 2000-3000 किलोमीटर मायने नहीं रखता, कुछ नहीं, ठीक है, मेहनत भी हम लोग अपना नहीं दिखाते हैं, जब दिखाने का बेरी आता है ना, जब दिखाने का टाइम आता है तो ये लोग बकचोदी कर रहा है यूट्यूबर लोग मिल के। अब इसी में एक दो कमेंट आएगा भाई, बहुत सारी चीज होती है, यही चीज होती है हमारे जान को सबके। और पता है अगर इस रोड शो की हम अपडेट पहले से डालते, सुमित भाई और तुम्हें भी, चलो सबको कितने टाइम से बताया हम इसी, ये उड़ीसा का जो अपडेट है ना, अगर आया हमारे पास थी, जब विधान भैया था तब से सबको पता है, लेकिन कोई अपडेट दिया था? कोई नहीं दिया था। मैं अगस्त में नहीं दे सकता था इसकी अपडेट अपने चैनल को, दिया नहीं दिया, क्राउड हो जाता है। ये हम लोग बेवकूफ़ नहीं है जो सोशल मीडिया में 2.5-3 लाख सब्सक्राइबर लेके घूम रहे हैं, जो मन में आएगा वो वीडियो डाल देंगे। हम लोग किसी का गलत करना नहीं चाहते हैं, सबका सही चीज़ दिखाते हैं। अभी बंगाल का यूट्यूबर बहुत सारे भैया लोग कॉमेंट कर रहे थे कि सार्जन डीजे के बारे में ये बोल रहा वो बोल रहा, हम क्या बोल रहे हैं, ठीक है वो सार्जन डीजे के बारे में बोल रहा, उनको भी समझ में आना चाहिए, अगर हम उनके बंगाल के डीजे के बारे में कुछ गलत बोलते हैं तो अभी अगर बोलते हैं हम लोग झारखंड के डीजे में तो उन्हें उसको सोभा देता। ये आप लोग भी कमेंट करके बेवकूफ़ी वाला काम मत कीजिए, जो बोलना है बोलने दीजिए, इग्नोर तो होता नहीं, इग्नोर कर दीजिए। और भाई देखो हम सभी यूट्यूबर मिलके, आप सभी यूट्यूबर से भी ये कहना चाहते हैं कि भाई सब एक दूसरे का साथ दो, और अगर आप साथ दोगे तो हम सब मिलकर ही आगे इस चीज़ को आगे लेकर जा सकते हैं, वरना आगे नहीं लेकर जा सकते, क्योंकि एक यूट्यूबर और हमारे साथ जुड़ते हुए ये देख लो भाई आगे हमारे पीछे हो जाओ। अब बताओ यूट्यूब में हमारे ऊपर जो सबकी बात आ रही है ये गलत है या सही है? भाई देखो इसमें 100% जल्दी मैं बोल रहा ज़्यादा लंबा गलत है भाई, बहुत ज़्यादा गलत है, क्योंकि हम लोग के कारण ही दोस्तों आप लोग घर बैठकर एंजॉयमेंट उठा पा रहे हैं, और अगर हम लोग नहीं आ रहे, हम लोग आप लोग नहीं दिखाएं तो बहुत दिक्कत होगा भाई। फिर हम एक चीज़ टोकना चाहते हैं, टॉपिक हिसाब पे यूट्यूबर लोग का नहीं है, टॉपिक हिसाब पे हो रहा है कि जो डीजे बैन हुआ इसमें आपका क्या दिल में प्रभाव पड़ा? भाई बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, क्योंकि भाई हम लोग एक कहीं ना कहीं यूट्यूबर के साथ एक डीजे फैंस भी हम लोग, और डीजे को हम लोग चाहने वाले भी है। तो दोस्तों डीजे अगर बैन आप लोग बात करें तो बहुत ही गलत बात है, क्योंकि इससे हम लोग के साथ सभी लोग जुड़े पड़े हैं।
ये आप ही वीडियो नहीं देख रहे हैं, सार्जन भैया, शशि भैया, पंकज भैया, पावर म्यूजिक, ऑल ओवर इंडिया के जितने भी डीजे सबको देखते हैं, एक डीजे वाला नहीं देखते। आप लोग सोचते हैं कि हम लोग देखते हैं तब जाके ऐसा वैसा, ऐसा बात नहीं है, सबको देखता है। तो हम लोग का भी रूल है किसी भी डीजे वाला के बारे में बुरा नहीं करते हैं। तो आप लोग से भी रिक्वेस्ट है कोई भी डीजे वाला बुरा, और हम सभी यूट्यूबर्स हर डीजे वाले के साथ है, जिसको हमारी ज़रूरत पड़ेगी हम सभी डीजे वालों का साथ देंगे, किसी भी कंडीशन में हो, कुछ भी हो, कितना भी दूर हो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम सभी के साथ हैं। लेकिन आप लोग को भी सपोर्ट करना होगा, तभी हम लोग आपके साथ रहेंगे, ठीक है। हाँ दोस्तों, अगर बनाना पड़े, हम लोग का रियल बात बता रहे हैं, हम लोग का जो कैटेगरी है इसमें बिल्कुल भी अर्निंग नहीं है एकदम भाई, हमारा आरपीएम बहुत ही बिल्कुल नहीं, 50,000 व्यू में आपको ये मिनिमम बता दे रहे, 50,000 व्यू में $300-$400, $300-$400 मतलब समझ रहे, 50,000 आदमी देख के 300, 350, 400, 33 चल रहा ना, ये हम लोग का डॉलर का इनकम है। और उसमें भी दुनिया भर का खर्चा करके हम सारे भाई घूमते रहते हैं भाई, मैं अभी हम लोग आए तो अभी हम यहाँ 8 से 10 हज़ार रुपये हम खुद लेके आए जेब में भाई। देखो जैसे हम लोग आज यहाँ पे आए हैं उड़ीसा, तो दोस्तों हम लोग का पॉकेट से जो खर्चा हुआ है दोस्तों यहाँ के इस जो भी यहाँ पे हो रहा है प्रोग्राम, इस प्रोग्राम से हमारा जो खर्चा वो भी नहीं निकलता, हम लोग बस इन्जॉयमेंट के लिए आते हैं और आप सबको दिखाने के लिए आते हैं। एक होता है ना, एक तो अंदर से उत्सुकता, जैसे कि कोई मेला लगा गाँव के बगल में तो जाएंगे तो सभी जाएंगे देखने के लिए, उसमें कोई देखता है कि मेरा पैसा था ना क्या था, तो उसी तरह के ही हम लोग का मेला है। हम लोग दुर्गा पूजा ऐसा दिन दुर्गा पूजा हम लोग नहीं घूमेंगे, कपड़ा खरीदे खुद का लेकिन पहने तक नहीं है। जिस दिन हम लोग का झारखंड में विजयादशमी मनाया जा रहा है उस दिन हम लोग ट्रेन चढ़ चुके थे यहाँ के लिए, सोच के देखिए भाई, अपने घर छोड़ छोड़ के हम सब भाई यहाँ पड़े हैं सिर्फ आप सबको अपडेट देने के लिए और सभी का साथ देने के लिए। बहुत सारे भैया लोग इस वीडियो को आधे अधूरे छोड़ के चल गए होंगे। एक चीज और बहुत बुरा लगता है, हम लोग जो इतना मेहनत करते हैं और आप लोग के लिए इतना दूर दूर से आते हैं वीडियो लेकर आप लोग को दिखाते हैं, तो हम लोग का भी मतलब ये दिल में होता है कि आप लोग हम लोग के बारे कुछ बोले, लेकिन देखते हैं वो सब चीज़ आप लोग यूट्यूब में हम लोग के बारे कभी नहीं बोलते, ठीक है। अधिकतर आप लोग का क्या मोटिव रहता है कि डीजे सेटअप दिखाओ, डीजे सेटअप कैसा बज रहा है, वो सभी आप लोग कमेंट करते हैं, लेकिन एक यूट्यूबर के बारे कभी आप लोग कुछ नहीं बोलते, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, हम लोग के बारे भी आप लोग सोचिए बोलिए, ठीक है, क्योंकि हम लोग अच्छा लगेगा। बाकी और कुछ नहीं बोलना चाहेंगे, बाकी भैया बोलेंगे भाई। अब आप सभी से एक बात कहकर जा रहा हूँ, ये वीडियो हम एंड करने वाले हैं और ये वीडियो इस बात पर एंड कर रहे हैं कि अगर आप इस वीडियो को जो भी भाई देख रहा है वो इस वीडियो को प्लीज एंड तक जरूर देखिए, मत देखिए लेकिन शेयर जरूर करिए। एक मिनट रुके, अगर आपको देखने का अगर आप MB नहीं है या आप मोबाइल में डाटा नहीं जो भी है तो आप वीडियो को सिर्फ शेयर कर दीजिए और उसी के बाद शेयर कीजिएगा जो सब चीज़ समझता हो, डीजे लाइन में जुड़ा हो, फैमिली में शेयर मत कीजिए। अब किसी को तो बात ऐसी होती है कि यहाँ पे जो कैंसिल हुआ दोस्तों वो हमारे हाथ में नहीं है, हम लोग अगर हाथ में होता दोस्तों तो हम लोग भी चाहते कि डीजे बजाए और आप लोग को एंजॉयमेंट दे, लेकिन दोस्तों किसी कारणवश किस कैसे भी कैंसिल हुआ, लेकिन दोस्तों आप लोग कैंसिल हुआ आप लोग तुरंत भाई यूट्यूबर की वजह से हो गया, इसके वजह से हो गया भाई, हम लोग दोस्तों ये आप लोग के सोचना बिल्कुल गलती है भाई। अगर ये सेटअप बजते ना जो हमारे अंदर खुशी थी ना, वो शायद जो घर पे बैठे हैं उनके अंदर भी खुशी वो चीज़ नहीं होगी भाई। हम सब इतने खुश होते हैं कि कहीं ना कहीं एक इंटरेस्ट हमारा और ज़्यादा जगता है। अभी एक चीज़ देखिए ना, हम लोग यहाँ पर हम लोग के जितना मतलब खुशी नहीं हो रहा है, यहाँ पर हम लोग मानी तो थक गए हैं, थोड़ा नर्वस हो गए हैं, जो लाइव देख रहे हैं ना घर बैठे वो लोग अंदर अंदर में कोस रहे कि हम क्यों नहीं गए, हम क्यों नहीं गए, तो आप लोग को कहीं ना कहीं हम ही लोग दिखा तो बहुत सारा यूट्यूबर जो है दोस्तों काफ़ी सारा घूम के चल गए, झारखंड के हो, मेरठ हो, उड़ीसा के हो, इधर के तो इधर ही रह गए, बहुत सारा भी मतलब रिटर्न चल गए। तो भाई जो भी चीज़ है अब हम इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं और आप सबसे हमारा, अगर आप हमारी वीडियोस को देख रहे हैं एंड तक, यहाँ तक आपने वीडियो देखी है तो प्लीज़ सभी भाई सभी यूट्यूबर्स का सपोर्ट करिएगा, क्योंकि अगर आप सपोर्ट करते हैं तो ही हम आगे चलने की कोशिश करेंगे, वरना तो भाई लास्ट बात भाई, अगर देखो जो इतने भी व्यूअर्स हैं जितने भी आप लोग देख रहे हैं, अगर दोस्तों सपोर्ट करने का मन करे सपोर्ट करे, ना करे दोस्तों प्लीज़ ना देखिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, जो देखते हैं उन्हीं के लिए हम वीडियो बनाते हैं और जिसे पसंद नहीं है दोस्तों वो उसे राम राम भाई हमारी तरफ से। एक सेकंड दोस्तों, भाई ने बहुत सही बात कही, देखो सभी अपने द्वारा अपनी बात से आपको संतुष्ट करने के लिए खुश रखने के लिए वीडियो बनाते हैं, मैं भी लौटता हूँ हंसता हूँ आपके लिए, क्योंकि आपको दू करता हूँ दू, मैं पागल नहीं हो गया, मैं आपको खुश रखने के लिए एक एंटरटेनमेंट कराऊँ आपका, तो यूट्यूबर की कोई भी गलती नहीं है,
तो सभी भाई भाई सपोर्ट करे, अपने वीडियो को शेयर करे, बढ़िया तरीके से मामला करे। सभी भाइयों को जय श्री राम हमारी तरफ से, और हम भाई भाई को यहीं ऐड करते हैं। भाई भाई लास्ट टाइम में एक चीज बोलना चाहते हैं, इस वीडियो से अगर किसी भी तरह का आप लोग को अगर दिक्कत हुआ हो, बुरा लगा हो, या डीजे वाले हो, या एसएसएन वाले हो, यहाँ के प्रशासन हो, यहाँ के पब्लिक हो, जो भी हो, मैं सबसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ और मैं माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि मैं किसी के जगह पे गलत बोलने के लिए नहीं आया हूँ, किसी को ठेस पहुँचाने नहीं आया हूँ। बाकी आप लोग इस वीडियो में अपना राय जरूर से दीजिएगा कि इस वीडियो में हम लोग जितने भी भाई बात बोले, गलत बोले या सही बोले, आप लोग एक बार जरूर से राय बताइए। राम राम, जय श्री राम, बाय बाय।